यहाँ पे जो है ना अफ्तारी में मैंने ये जो चिकन बनाई थी ना अफ्तारी में, फ्राइड चिकन, तो यहाँ मैं वो गर्म कर रही हूँ उसका एक पीस। और यहाँ पे जो है ये मैंने बर्गर बन ले लिया है छोटा। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं इस पे जो है ये खाने में अभी फ़िलहाल मैं यही बना रही हूँ, मुझे पेट नहीं रहना चाहिए ना, अफ्तारी के बाद कुछ खा लेना चाहिए खाना। मेयोनीज ऐड किया है, उसके बाद थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। और ये रायता बनाया था हरी चटनी मैंने अफ्तार में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये भी जो है ना ऐड कर देती हूँ, मतलब स्पाइसी सा बर्गर बन जाएगा। तो मायोनीज, मस्टर्ड पेस्ट, और इसके बाद जो है यहाँ पे ये मैंने हरी चटनी भी जो है ऐड कर दी है इस बर्गर में। और चिकन यहाँ पे गरम हो चुकी है, चिकन पीस जो है मैं यहाँ पे रखूँगी, चिकन पीस इस पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ स्लाइस लेके, चीज़ स्लाइस भी मैं इस पे रख दूँगी। और मज़ेदार सा जो है ये बर्गर डिनर में मेरा जो है ना, रोज़ा खोल के वैसे भी कुछ चटपटा सा खाने को दिल चाहता है आपका, तो ये रहा जी चीज़ स्लाइस भी मैंने उसके ऊपर रख दिया है। और घर ही में मज़ेदार सा ये देख सकते हैं आप मेरा बर्गर बन के जो है फ्राइड चिकन के साथ रेडी हो गया। ये देखिए, ओ हो, चीज़ और चिकन, मायोनीज, और अभी मैं कैचअप के साथ इसको एंजॉय करूँगी, मस्टर्ड पेस्ट और सब चीज़ें। ये देखें जी, फुली लोडेड बर्गर बन के रेडी हो गया। हाँ देखा आप लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह, घर पे ही जो मैंने ये चीज़ें थी उन्हीं से ही जो है ये बर्गर बना लिया, जो चिकन फ्राई की थी, और ये बर्गर मैं एंजॉय करने लगी हूँ। उससे पहले जो है ना मेरे सर में दर्द था, तो मैंने सोचा मैं अपनी नज़र उतार लूँ, अपनी भी, अपने बेटे की भी, तो मैं नज़र उतारने लगी हूँ। अपने बर्गर मैं अभी खाने के लिए जा रही हूँ, उससे पहले जो है मैंने नज़र उतारी है अपने, आप देख सकते हैं शोले, देखें कितने बड़े बड़े शोले जो है ना जा रहे हैं। और नज़र होती है ना तो शोले जो है भड़कते हैं, नज़र बहक है, मेरा सर भारी सा हो रहा था तो मैंने कहा चलो नज़र उतार लेते हैं। दोनों चूल्हों पर मैंने जो है ना मुझे जलने रखती हैं, कंधे हल्के से हो जाते हैं, सर हल्का सा हो जाता है जैसी नज़र उतरती है। तो हम लोग तो सुर्ख मिर्च से उतारते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या तरीका है। जो है ना इतना अजीब सा हो रहा है, दिन में जो है वो गर्मी होती है और शाम जैसी होती है ठंडी हवा चलने लग जाती है, और एकदम जो है ना मौसम अजीब सा हो जाता है, सर्दी रात में ठंड होती है, बॉडी डिस्टर्ब हो गई है उस वजह से। ड्रेस है जो मैंने रेडीमेड रमज़ान के लिए ख़रीदा था, ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके साथ ये वेलवेट का जो है ना लेगी है या टाइट्स कह लें, और ये इस तरह की जो है ना ये एयरलाइन फ्रॉक बनी हुई है, ये देखें चौड़ी, ये पूरी आ नहीं रही टेबल पे। ये देखिए बैक साइड से प्लेन है, ये पूरी पिकॉक है, और ये इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है थोड़ी सी, बाकी ऊपर से ये ऐसे बटरफ्लाई बनी हुई है ब्लू कलर में, ऊपर से जो हाफ स्लीव्स हैं, और गला है इसका, और इस तरह से ये कुछ दिखती है पूरी चौड़ी जो है ना एयरलाइन, ये देखें एयरलाइन फ्रॉक है। तो ये मेरा न्यू ड्रेस मैं पहनने लगी हूँ, ये देख, ये है मेरी फुल लुक, ये देख इसके साथ ही ग्रीन चप्पल और ये लेगी पहना है मैंने। ये कुछ तरीके से एयर लाइन पर है,
बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा लगा आपने मुझे। और ये जो है ना, मैंने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि बेटे को स्कूल लेके जा रही हूँ, तो बाहर बहुत धूप होती है, उसमें लगा लेती हूँ। लेने की तैयारी फ्रेश फ्रूट है यहाँ पे, और मैं जो है ना अपने बेटे के लिए सोच रही हूँ कि बनाना ले लूँ। बैंगन लिया है मैंने, बैंगन के पकौड़े बनाए। सारा फ्रोजन आइटम लगा रहे हैं प्याज में, गेहूं में, तो मैंने बनाना लिए हैं। अब मैं लेन में थोड़ी समोसा पट्टे लेकिन फिर वही बात होती है ना, जो घर की चीज घर की होती है। दान वाला भी बोलते हैं चीजें। अब फाइनली जो है ना, चिप्स चिप्स वाले सेक्शन में जा रही हूँ। Attention please, staff announcement. वेजिटेबल डिपार्ट के साफ से गुजारिश की जाती है, कस्टमर केयर की यानी तशरीफ ले आए, शुक्रिया। फाइनली जो है मैं आ गई हूँ चिप्स सेक्शन में, तो मेरे बेटे के खाने पीने के चिप्स जो है ना वो ख़त्म हुए हैं। एंड आई नीड टू बाय चिप्स। ठीक है, तो स्लंटी भी ले लेते हैं। स्लंटी भी उसकी रात में ख़त्म हो गई है, खाता है ना वो रात में, मंचिंग करता है। लेते हैं दो पैकेट ले लेते हैं सलंटी के, सलंटी तो इसमें खूब सारी खानी होती है, चलिए सलंटी ले लेते हैं। लेज मसाला ले लेते हैं, बहुत शौक से खाता है लेज मसाला मेरा बेटा जो है ना।